बॉल में देखिए पूरी तरह से महाकाय है, बलशाली है, चारों ओर से कोरकर बनी हुई है। और ये केवल सारनाथ की प्रतिमा नहीं, कौशाम्बी से भी जो मिली है दूसरे वर्ष की, जो आपके श्रावस्ती से मिली हुई है, दुर्भाग्य जो श्रावस्ती से जो प्रतिमा मिली हुई है उसकी जो है तिथि खंडित हो चुकी है। लेकिन ये सभी प्रतिमाएं जो हैं ये सब एक ही साँचे में ढली रखती हैं, एक ही शैली में निर्मित रह रखती हैं। अब आप देखिए, यदि देखा जाए तो इन बुद्ध की प्रतिमाओं को हम यक्ष प्रतिमा के उत्तराधिकार के रूप में देख सकते हैं। और क्या अब देखें, पूरी तरह से जो है, जो अभी हमने कहा कि मथुरा के बुद्ध शिल्पी, मथुरा के शिल्पियों को ही बुद्ध मूर्ति के निर्माण का श्रेय जाता है, तो आप देखें कि पूरी जो प्रतिमा है उस पर पूरी तरह से ठेठ भारतीय शैली है। ये परखम यक्ष और प्रथम बोधिसत्व की मूर्ति, इन दोनों के बीच का जो सूत्र है यह अपने आप में मथुरा में बुद्ध की मूर्ति के विकास की व्याख्या कर देता है। बिल्कुल कोई भी गुंजाइश नहीं है इस पे विदेशी प्रभाव नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रतिमा का जो निर्माण हुआ है वो मथुरा के शिल्पियों के द्वारा ही किया गया है, और पूरी तरह से यह भारतीय परंपरा के अनुकूल बनाई हुई है। वीएस अग्रवाल जी ने, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने तो इन यक्ष मूर्तियों को देव मूर्तियों का पितामह तक कर डाला। उनका तो ये कहना है कि जो यह देव मूर्तियां हैं, जो मथुरा की जितनी भी देव मूर्तियां बनी हैं उसकी स्वतंत्र कला शैली का जो बीज वो यहीं से जो है अंकुरित होता दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से मथुरा में यक्ष परंपरा के अनुकूल जो है स्टैंडिंग बुद्ध की जो प्रतिमा बनना शुरू हुई। नेक्स्ट नहीं, इसके पहले, इसके पहले, हाँ, अभी ने देखा बिल्कुल ठीक हमारे पूर्ववर्ती जो प्रतिमा है उसी के अनुकरण में ये प्रतिमा है। आप देखें किस तरह से यहाँ पे जो अभय मुद्रा है वो प्रोफाइल है, सम्मुख नहीं है, ये कुषाणकालीन बुद्ध मूर्तियों की विशेषता रही है। यह देखिए मथुरा से है पहली वाली, और जो मस्तक विहीन है यह सार, आप ये सारनाथ का बोध सकते हैं। आप देखें किस तरह से एकांशिक संघाटी, एकांशिक संघाटी से तात्पर्य है एक कंधा ढका हुआ। और आप देखें जो सिलवटों का अंकन है वो बाएं कंधे पर है, बाएं बाह पर है, बायां हाथ जो है वह कमर पे है टिका हुआ, और जो कटिहस्त है, कटिहस्त कटिबंधन पे देखिए आप जो जो अधो वस्त्र है उसकी जो दोनों गांठें हैं वो नीचे लटक रही हैं। और आप देखें चेहरे यहाँ पे जो कि यह मस्तक विहीन है, दूसरा पे जो है यह केस विहीन है, और इस पर जो है कवर आगे और डिटेल से देखेंगे। तो आप देखिए जैसा मैंने कहा कि लगभग एक ही साँचे में, एक ही शैली में जो आरंभिक जो प्रतिमा है वो हमें ढली दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी हमें स्थानक की बात की, अब ये आसीन मूर्ति है। आसीन जो मूर्तियां हैं और इनकी शैली स्थानक मूर्तियों से पूरी तरह से भिन्न है। किस लिए भिन्न है, वो तो यक्ष परंपरा का है, लेकिन आसीन मूर्तियों के जो निर्माण हुए वह इसमें योगी चक्रवर्ती के आदर्शों का समिष्टि है, और इसके साथ ही साथ बुद्ध में 32 महापुरुषों के लक्षण भी, उसका भी समायोजन हमें बुद्ध की मूर्ति में दिखाई पड़ता है। अब हम देखिए ये महोली से प्राप्त बोधिसत्व, ये दोनों मथुरा से ही मूर्तियाँ मिली हुई हैं, कटरा से मिली हुई हैं। इसमें आप देखें ऊपर जो है आपको दिखाई पड़ रहा है पीपल के वृक्ष का अंकन है, संभवतः ये वही वृक्ष है जिसका कि जिसके की नीचे बैठ करके बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई थी। आप देखें पलथी मार करके पद्मासन में बुद्ध बैठे हुए हैं जो कि एक योगी का लक्षण है। अभय मुद्रा में हाथ है, अभय मुद्रा अभी भी आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल है, सम्मुख नहीं है, जो कि आगे चल करके आप देखेंगे कि बिल्कुल सम्मुख विकसित शैली में आप दिखाई पड़ेगा आपको कि पूरी तरह से वो सम्मुख हो जाती है। फिर आप देखें ऊपर जो है उसनीश है,
ये उष्णीश बाहों के बीच में उरणा, जालांगली यानी त्वचा के बीच में पूरी जो है बंधा हुआ, पूरी उंगलियां एक साथ सिमटी हुई हैं। फिर आके हस्त और चक, हस्त और पाद पे चक अंकित है या स्वस्तिक का अंकन मिलता है। तो ये सारे महापुरुष के लक्षण हैं। ये इन सब का सम्मिश्रण जो है हमें इस प्रतिमा में देखने को मिलता है। अब आप नीचे देखिए सिंहासन पे बैठे हुए हैं, यहाँ भी इंस्क्रिप्शन पे हमें बोधिसत्व ही मिलता है। अभी भी बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमा में हमें जो है डिस्टिंक्शन नहीं होता, अभी भी हमें हम बुद्ध की प्रतिमा का ही निर्माण हो रहा है कुशाण में और उसको बोधिसत्व कहा जा रहा है। फिर आप पीछे देखिए सिर के पीछे प्रभा मंडल है, प्रभा मंडल जो है वह देखिए सादा प्रभा मंडल है, इसके चारों किनारों और इसको स्कलप बॉर्डर कहते हैं या हस्ती नखत अलंकरण बोलते हैं। पार्श्व में बुद्ध के अगल बगल दोनों पार्श्व चर हैं, ऊपर जो है व्योम दाचारी जो हैं, गंधर्व जो हैं, वह दिव्य पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ये सारी ये एक चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि जो आसीन मुद्रा है, जो सीटेड जो मूर्तियां हैं बुद्ध की, उनमें हमें चक्रवर्ती, योगी और महापुरुषों के तीनों का सम्मिश्रण हमें दिखाई पड़ता है। और आप चेहरे के भाव देखिए, बहुत शांत जो मुख मुद्रा है वो बड़ी मंद मुस्कान के साथ वो बुद्ध के आंतरिक भाव को परिलक्षित करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रकार यह मूर्ति भी, स्थानक मूर्ति की बात की थी, यह मूर्ति भी जो आसीन मूर्ति भी है यह परिपूर्ण रूप से शुद्ध भारतीय शैली में बनी है और प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से अभी भी इसमें बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं में भी कोई भेद नहीं किया गया है। तो अगर हम स्थानक मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और आसीन मूर्तियों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ही प्रकार की जो मूर्तियाँ मथुरा में बन रही हैं वे शुद्ध रूप से भारतीय हैं। इसलिए मैं बार बार कहूँगी कि बुद्ध की मूर्तियों के प्रथम निर्माण का श्रेय मथुरा के शिल्पियों को ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब चूंकि हम लोग एक बुद्ध मूर्तियों के अभी स्थानक और आसीन इस प्रकार की सहस्त्रों मूर्तियां कुशाण काल में मथुरा में बनी उन्हीं शैलियों के और उन्हीं विशेषताओं के साथ में, लेकिन जब भूविष्क का शासन काल आता है तो भूविष्क के शासन काल से लेकर वासुदेव के शासन काल तक हमें मथुरा शैली में जो भी बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं उनमें गांधार शैली का समावेश दिखाई देता है। ये जो मूर्तियां आप देख रही हैं इसमें पहली बार भूविष्क के समय मथुरा में जो है फ्यूजन ऑफ मथुरा एंड गांधार एलिमेंट्स दिखाई देते। ये जो पहली मूर्ति है, दूसरी तो मस्तक विहीन है, जो पहली मूर्ति है यह जो है अहिछत्रा से हमें मिलती है और यह नेशनल म्यूजियम, ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अवस्थित है। और इस समूह की जो मूर्तियां हैं जो गांधार शैली और मथुरा शैली के सम्मिश्रण से जो बनी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में की जो सबसे पहली जो विशेषता है वह यह है कि यह सबसे पहले आइकनोग्राफिक डिस्टिंक्शन शुरू हो जाता है। मतलब बुद्ध और बोधिसत्व का सबसे पहला भेद अब क्या है, जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें उस इंस्क्रिप्शंस में हम इनको बोधिसत्व न कह करके इनको बुद्ध कहा जाना। कहने का तात्पर्य आप देखिए कि कोई भी जब नई चीज तो उसको कुछ शताब्दियों के बाद अपने आप वो स्वीकार होगी। अगर हम एक साधारण से उदाहरण से यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि अपने दैनिक जीवन में ही हम देखें कि अभी करेंसी चली नया नोट, तो है नोट लेकिन जब वो नया होता है तो उसको नया नोट कहते हैं, लेकिन जब वो प्रचलन में आ जाता है तो फिर वो नोट हो जाता है। तो ऐसे ही जब बुद्ध की प्रतिमा अब क्या पूरी तरह से लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया और अब बुद्ध के समय से बुद्ध और बुद्धिसत्व की प्रतिमा का पहली बार डिस्टिंक्शन हमें इस प्रतिमा में दिखाई। अब जो गांधार शैली के जो इसमें विशेषता दिख रही है उसमें अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देखें इसमें जो आंखें हैं और शार्पिन है, आंखों को नुकीलापन दिखाई पड़ रहा है। फिर
जो उष्णीश है पहले की अपेक्षा टॉलर हो गए हैं। इनको दो बार इनको ट्विस्ट किया गया है, इनको एक दो बार इनको घुमाया गया है। फिर आप देखें पिछली मूर्ति में आपने जो संघाटी थी एकांशिक संघाटी तो यहाँ भी है, लेकिन वहां पे एडिशनल थिक प्लेट्स दिखाई पड़ रही है जो सिल्वर